भजनों के अंदर कई ऐसे इशारे हैं जो कि बेनतियां हैं अपने गुरु के आगे कि गुरु सेवक को छोड़ ना जाए। उसका क्या तात्पर्य है? मतलब भजनों के अंदर सेवक गुरु के आगे अरदास करता है कि मुझे छोड़ ना जाए, मुझे विसार ना दें, उसका क्या मतलब है? सब तो पहला था उस कारण कारण परमात्मा सावन कृपाल के चरणों में नमस्कार है जिन्हें सानू आपकी याद में बैठने का मौका दिता है। गुरु नानक ने कहा कीता लोड़ी है कम सो हर पै राखी है। आप कह लगे सब तो पहला कोई कम नया शुरू करना है तो अपने इष्ट अगे गुरुदेव अगे प्रार्थना करो और आपका सिर चुकाओ ताकि वो जड़ा कार्यक्रम है बड़ा रस भरिया वो अपनी दया दृष्टि करके बनावे। हाँ भाई, किसी भी संत सतगुरु ने जो निम्रता अपने भजनों विच वरती है प्रार्थना कीती है वो उन्हां हिरदयां दे विच आउंदी है कि जेड़े बिल्कुल उस नाम नारंगे हुंदे है जो शब्द दी तार जिथे परमात्मा दया करके जारी करता है उहदे विच ओह आउंदे है क्योंकि उन्होंने अंदर जाके देखिया हुंदा है कि जो साडा सतगुरु है ये शब्द रूप है बाहर तो सिर्फ एक बरूबीए की तरह साडे विच आके रह रहा है। थानू पता है कि खास करके तुसी दुनियावी मिसाल भी रोज़ देखते हो साढ़े सब नाल भी हुंदियां हन। अगर कोई आदमी बड़ा अफसर लग्या होया है जिस दे हथ विच पूरे इख्तियार है असी उहदे अगे भी जाके बेनती करते हैं गल विच पल्ला पाउने हैं कि जी साढ़े हक विच फैसला दिओ। हालांकि उस नू गौरमेंट की तरफों ये हदायत हुंदी है कि भी तू न्याय करना है लेकिन फिर भी साड़ी जो फरियाद हुंदी है वो जारी रहिंदी है। कई दफा असी कितने भी अपराधी क्यों ना होइए एक दुनियावी इंसान भी साढ़े उत्ते दया कर दिंदा है। गुरु नानक ने भी कहा कि खसम दी असी वह परमात्मा की बराबरी नहीं कर सकते गे सिर्फ साड़ी उत्थे अरदास ही निम्रता ही कारगर हुंदी है। तुसी भजना दे विच सुनदे हो कि तेरे जिहा मैनू एक भी नहीं मिलना मेरे जिहियां तैनू लखी प्यारियां प्यारिया क्योंकि सिख नू ऐसा गुरु दयालु जो बगैर किसी मुआवजे तो उसकी सेवा करन लग्या पिया है कितों भी नहीं मिलता गा तो सतगुरु जब आउंदा है वो संगत बना लेंदा है। महाराज सावन सिंह एक खास कहानी दे जरिए इस बात नूं बड़े प्यार नाल समझाउंदे हुंदे सी कि पीरान क्लियर दा वाकया है उत्थे साई पीख जी रहिंदे हुंदे सन। उहनां दा एक तालब सी जो नाम दे विच रंगिया होया सी वो दिल्ली दे बाजारां दे विच मस्सी दी हाल दे विच झूम रहा सी या पीक जले पीक थले पीक उन्नी दिनी मजिस्ट्रेटी काजियां दे हथ विच सी। उन्हां ने उसनू पकड़ लैंदा कि तू जा अल्लाह जा रसूल कह ये तू की कुफर बोल रहा है। लेकिन वो मस्त सी उन्हें अंदरों देख लिया सी आपके मुर्शिद नूं कि वह कुल मालिक है
मैं होर किदे गीत गावां, किदे अगे फरियाद करां। उस नूं पकड़ के शहनशाह अकबर दे पास लै गए। अकबर मुगल खानदान दे विच अच्छा न्यायकारी होया है। उस नूं जद पुछया उत्थे भी जाके जा पीक ही बोल रहा सीगा। उस नूं रंग चढ़िया होया सीगा। वो कहण लग्या कि भई बड़ा काल पिया होया है, बारिश हो नहीं रही, अनाज नहीं हो रहा, की तू भीख तो बारिश करा देगा। वो कहिंदा भी मैनू इजाजत दे दिओ, मैं उन्हूं पुछ लैना है। वो ब्यास दे विच बैठ गया, अरदास कबूल हुई। तीसरे दिन जद वैदा कीता सीगा, क्योंकि मौलवी जिहड़े काजी सन वो कहिंदे सी इहदी जवानत लै के छड्डो, शायद ये भज गया तो आना निगा। तो अकबर कहण लग्या कोई फिक्र नहीं, इहनूं तुसीं आजाद कर दिओ। जद वह बाहर जाके फरियाद कीती, फरियाद सुनी, बड़ी बारिश हुई। जब तीसरे दिन वो तालब आया, क्यों भी इके बारिश हो गई, वो कहिंदा हाँ जी भीख ने करा दित्ती। जद वह बुलाउण वा भीख दा ही ना लवे, अखीर उन्होंने 21 पिंडां दा बादशाह ने उसनू जायदाद दा पटा लिख के दिता भी आ लै। वो कहण लग्या मैं फना चीज नहीं लैंदा गा, ये फना चीज है। तो उन्होंने आपदे मुर्शद दे पास वो 21 पिंडां दा जो पटा सीगा भेज दिता। जद किते मुर्शद दे पास उसका मिलाप होया तो मुर्शद उसनू बोलता है कि भी प्यारिया तू जो फरियाद की उस वेले तेरा ख्याल मेरे विच सी, मेरा दुर्गा दे अंदर सीगा। तू की मंगया? अगर जे तू ये कहिंदा कि मैनू कोई वली अल्लाह बना दिओ तो उस वेले तेरा सब कुछ ही मंजूर सीगा। सो प्यारियो, जो असी सच्चे दिलों जो गले चो आवाज आउंदी है उही साडे दिल अंदर है, तो उस फरियाद नूं जरूर वह साडा समर्थ सतगुरु वो भीख की तरह सुनता है। क्योंकि सिख जो आप दियां कमजोरियां जनी निगाह मारदा है, फिर ही उसनूं पता लगता है कि मेरे विच कितनियां कमजोरियां हन। अगर जे मेरा इस ने लेखा जोखा लिया, हो सकता है कि मैनू इहदे वास्ते लम्मी सज़ा और करड़ी सज़ा भोगनी पै जावे। इस वास्ते फरियाद करता है कि हे सतगुरु, तू लेखा लैण तो पहले ही मैनू बख्श दे। कबीर साहब ने भी फरियाद की कि बाप राम सुन बेनती मेरी, तुम सो प्रगट लोगन से चोरी। पहले काम मुग्ध मत किया, ता पै डर पे मेरा जिया। राम राय सुन बेनती लीजै, पहले बख्श फिर लेखा लीजै। कहे कबीर बाप राम राया, अब मैं शरण तुम्हारी आया। सो संतां ने जो निम्रता परे सानू अरदासां दी तरह भजन लिखे है, उन्हां दा भाव मैं सदा ही दसदा हुंदा है कि साडा जो भुलड़ मन है ये बड़ा मजबूत होकर काल दा एजेंट साडे अंदर बैठा होया है। एक कद सेवक नूं कहण दिंदा है कि तेरे विच गलती है, गलती मनण वास्ते तैयार ही नहीं हुंदा। अगर ये गलती मन ले तो महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे, तो इहदे अंदर होर तां रुकावट ही कोई नहीं, मसला तां गलती मनण दा ही है। इस वास्ते भजना दे अंदर आपदियां गलतियां भी मनदा है, आपदियां कमजोरियां भी मनदा है, गुरु प्रति अपनी श्रद्धा प्यार विश्वास भी जताउंदा है। जितना चिर संसार संसार दे विच हन, उह सदा अपने आप नूं एक बहुत छोटा जिहा जीवन बना के दिखाउंदे है, बताउंदे है। बेशक सेवक उहनां दे मूंह ते भी क्यों ना किन्ना भी कही जाण कि तुसीं साडी मदद कीती, एक्सीडेंट होया, बीमारी होई, जां कोई ऑपरेशन होया, आम ऐसे गुरु और सेवक विच वाकियात हुंदे रहिंदे है। तुसीं सोच के देख लो कि उहदे अंदर कितनी निम्रता हुंदी है। उह कहण कई दफा तां ऐसा भी कहिंदा है कि भी मैं तां एक पापी जिहा जीव हां तुहाडे वर्गा ही, ये सारी जिहड़ी दया है ये मेरे गुरु महाराज की है। सब संतां ने कहा
कि जिस रस्ते आत्मा ने जाना है वो बड़ी संकड़ी है, वाल तो दसवां हिस्सा है, उत्थे हंकार मैं साथ नहीं चल सकते गे, उत्थे इतना ही ब्रीक होके लंघना पैंदा है। कबीर साहब कहन लगे कि तुसी देखो, तुसी हाथी नू अगर वाल तो दसवें हिस्सा ब्रीक जगह दे विच लिया के खड़ा करो, बेशक उसनू पिछों कितना भी तुसी डराओ, धमकाओ, अंक सवारो, वो फिर भी उस पासे हो कदे हो ही नहीं सकता। उन्हें पता है कि मैं इहदे विच किस तरह दाखल हो सकता है। बेशक उत्थे कोई खाने का लालच भी दियो, उन्हें पता है कि मैं इतने बरीक रस्ते किवें दाखिल होऊंगा। लेकिन जिहड़ी कीड़ी है ना, उन्हें कोई दबकाउण की जरूरत पैंदी है, वह बड़ी आसानी नाल उहदे अंदर दाखिल हो जाती है। तो कबीर साहब कहिंदे छोटा रहे चित में अंतर, शब्द माहे तब सुरत गई। सो प्यारियो, सानू सदा निम्रता फरियाद अगर असी करांगे तो परमात्मा कृपाल साढ़े ते रहम करेगा। उन्हों साड़ी सेवक दी लोड़ नहीं हुंदी, कि सेवक नू गुरु की लोड़ है। वो तो साढ़े नालों भी ज्यादा करोड़ा फरियादा आपदे गुरु अगे करन लग्या पिया हुंदा है। सच्चाई तो यह है कि जो संत नाम दिंदे है उदो अपने गुरु की गोद विच आत्मा नू पा दिंदे है, फरियाद करते है कि तू इन्हां नू बख्श दे, ये तेरे आसरे ही है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है, मैं सदा ही दसदा हुंदा है कि जद परमात्मा कृपाल ने मैनू बहुत प्रेमियां नू राजस्थान दे अंदर वो गुफा दे दर्शन करन दा मौका मिलिया जिथे कि परमात्मा कृपाल ने खास बख्शिश करी सी, तो पहले दिन जद उन्होंने अखा ते हथ धरिया सीगा कि अंदर खोलणियां हन, मैं खुद ही आऊंगा तेरे पास, तो मैं दसदा हुंदा कि किस तरह मैं प्यार परे हंजू केर के कहा सी कि काल मेरे मगर लग्या होया है, तू मेरी लाज रखी, मेरा पड़दा कजली। हाँ, शब्द स्वरूपी गुरु के जो शारीरिक स्वरूप है, जब हम रोज उसके आसपास रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो आदर भरा और सही तरीका क्या है गुरु के साथ रहने का बाहरी रूप में? हाँ भाई, सब न पहली तो बात यह है कि अगर असी तड़प जितनी पहला हुंदी है इतनी बढ़ा के रख सकते हैं, उतना भरोसा रख सकते हैं, तो गुरु के नजदीक रहन दा सेवक बहुत लाभ उठा सकता है, कि उन्हें रोज दर्शन मिलते हैं, वो दर्शन उत्तम समझता है। लेकिन आम तौर पर की हुंदा है कि उहदे अंदरों जिहड़ी खिच हुंदी है, मन उसनू फिकी पांदा है, और जब उसनू कोई गुरु बात कहिंदा है वो कहिंदा मेरे नाल रोज ही बातां करदा है, उन्हां उत्ते अमल करनों हट जाता है। उस तो बाद वो प्रेमी अपनी रोजी रोटी कमाउणों हट जाता है, जो संगत लंगर दे विच थोड़ी बहुती सेवा पाउंदी है वो खाणी शुरू कर दिंदा है, वो जिहड़ा थोड़ा बहुता भी बहिंदा है जां उहनूं दर्शन दा फल मिलदा है वो लै जांदे उहदा फल। जिहड़े दूरों प्रेमी आउंदे है वो उन्हां दे पैरीं हथ लाउंदे है, वो लवाउणा शुरू कर लैंदे है, पर उन्हां नूं मान दे दिंदे है। उन्हां लोकां नूं इह लगदा है शायद असीं कुछ हैं जिहड़े साडे पैरीं हथ लाउंदे है। मैनूं दो सतगुरां दे चरणां विच बैठण दा मौका मिलिया है, मैं कई ऐसे प्रेमी भी देखे जो सतगुरु की बराबरी बोलते सन, गुरु की बात मनण वास्ते तैयार नहीं हुंदे सन। हुण तुसीं सोच के देख लो ऐसे सेवक उत्थों की फायदा उठाउणगे। लेकिन सारे ऐसे नहीं हुंदे गे, सानू हमेशा ही अगर किसी नूं मौका मिलता है गुरु के पास रहण दा, उस समय नूं सत्संगी गुनीमत समझे, भाई लहणे की मसाल अखां अगे लियावे, जिन्हां ने तन मन धन हर तरह नाल गुरु नानक की सेवा की,
कई ऐसे कौतुक देखे जिन्हां दे विच उन्हां ने अपने आप नूं डोलन नहीं दिता, साबत दिल रहे। महाराज कृपाल सदा ही कहिंदे रहे कि वी प्यारिओ सच्चाई का बी नाश नहीं हुंदा गा, वह सदा हुंदी है। महाराज कृपाल नूं भी महाराज सावण सिंह दे चरणां विच रहण दा मौका मिलिया, लेकिन उन्हां ने उन्हां दे हुकम नूं उलाही समझिया। जो उन्हां ने कहा वह हुकम वजाउंदे रहे। हुण उन्हां दे पास महाराज सावण सिंह दे होर भी बड़े रहे सन। एक दफा दी चश्म दी दवा क्या है कुछ सेवादार जिहड़े उन्हां दे आसे पासे रहण वाले सन, वह इतने आपसरी में गर्म हो गए कि एक दूसरे दे खून भी कढ लिया। तो एक जिहड़ा कमांडर सी सेवा कराउण वाला, वह उन्हां नूं लै के वे इत्थों दी महाराज लंघण गए, आपदी कोठी नूं जाण लगे, मैं इत्थे तुहानूं मिलाउणा है। महाराज जी ने देख ले पर उत्थे रुके नहीं। वह अगे जाके कहिंदा जी प्रेमी अगे खड़े है, तुहानूं मिलना चाहुंदे है। महाराज हस के कहण लगे भी इस तों कोई होर भी सजा जिहड़ी मैं दे सकदा हां। हुण तुसीं सोच के देख लो, जिहड़े गुरु दे चरणां विच रह के इस तरह एक दूजे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लड़ते हैं, जां लट मार लगेगा पिछा नहीं देखते गे, वह की खटणगे। महाराज जी कई दफ़ा जब मैं अभ्यास के अंदर बैठता हूँ तो मैं अपने दाएं कान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त एक गूंज सुनता हूँ जो कि पूरी बैठक के दौरान मुझे सुनाई देती है। क्या मैं उसकी तरफ ध्यान दूँ या उसको भूलने की कोशिश करूँ? क्या मैं दो चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ? हाँ भाई, थानू नामदान के वक्त भी समझाया जाता है कि एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਫੌਰਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तो आवाज अपने आप ही अंदर गूंजन लग जाती है। तो अगर शब्द की आवाज थोड़े अंदर गूंजन लगती है तो सिमरन छोड़ के तुसी अपने शब्द सुन लग जाओ। कई प्रेमी दर्शन के टाइम ये भी दसते हैं जिन्हों का सिमरन का कोर्स पूरा होता है, वो कहते शब्द की आवाज बगैर कन बंद करें ही आ जाती है। लेकिन आम जो थानू नामदान के वक्त दसाया जाता है, अगर घंटा बैठना है तो पौना घंटा सिमरन करो, 15 मिनट शब्द जरूर सुनो। हाँ, ये जरूर थानू दसाया जाता है कि जब आवाज़ सुनते हो उस वक्त सिमरन ना करो, ताकि तुहाडा ध्यान फिर ना बट जाए कदे सिमरन की तरफ कदे आवाज़ की तरफ। लेकिन मैं ये कई दफ़ा ये सवाल नू पहला भी दसिया है कि अगर असी शरदा प्यार दे नाल सिमरन की महानता नू समझ जाने हैं तो शुरू शुरू दे विच ही प्रेमी नू जवान नाल सिमरन करना पैंदा है। थोड़े दिन बाद ही वो मन दी जवान नाल सिमरन शुरू कर दिंदा है, और इस तों भी जदों उपर जांदा है तो आत्मा दी जवान दे नाल उहदा सिमरन अपने आप ही चालू हो जाता है। ऐसी हालत के अंदर सेवक नू ना जीभ हिलाउणी पए ना तवज्जो किसी पासे बटाउणी पैंदी है, क्योंकि हुण तुसीं बड़े ठंडे दिल नाल आपदे अंदर झाती मार के देखो कि तुसीं बैठे हो, जो सोच रहे हो कि ये तुसीं जवान ना तो बोल नहीं रहे, जवान से तो चुप बैठे हो, अंदर थोड़े कीड़ी शक्ति है जिहड़ी सोच रही है, जिहड़े बुरे ख्याल तुसीं सोच रहे हो ये मन दी जवान कर रही है। जिहड़े अंदर अच्छे गुरु प्रति परमात्मा प्रति आ रहे हो आत्मा की जवान के नाल है, हुण तुसीं बीज में रुले हुए हो। अगर सिमरन तुसीं मन की जवान नाल करन लग जाओगे तो इस तो भी उपर जदों आत्मा की जवान नाल करन लग जाओगे, जिवें हुण तुहाडे ख्याल बगैर सोचे अंदर चल रहे है तो थोड़े अंदर सतगुरु का ही नाम अपने आप ही चल पाएगा, उस रूप अपने आप ही तुहाडे अंदर टिक जाएगा। उस नूं संतां ने भजन तेल की तार पलटू साहिब ने कहा साधना अधकै साधी, वह जिहड़ी लिव है वह जिहड़ी तार है वह टुट नहीं सकती। कि अगर सेवक भी कहे मैं तोड़ा
वो टूट नहीं सकती, जिसने गुरु नानक ने कहा तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे ऐसी माधो खिचतनी, उस डोरी नू सेवक तोड़े टूट नहीं सकती थी। गुरु नानक ने इस अवस्था नू इस तरह बयान किया कि ऐसा प्रेमी भीड़ भड़के दे अंदर भी एकांत प्राप्त कर लेंदा है, मुख दी बात सगल स्यों करदा है, जी संग प्रभ अपने तरदा है। गुरु तेग बहादुर नौवें गुरु महाराज जी इस अवस्था नू इस तरह बयान करते हैं कि जिस तरह हुण साडे अंदर जिहड़े दुनिया के ख्याल है मन दे उत्ते, मन दी जवान ते इस तरह उकरे हुए है जिवें कंधे उत्ते कोई पिक्चर उकरी होंदी है, जदों असी सिमरन करते हैं इस सारा जिहड़ा असी आपदे अंदर बुरे ख्यालां दा विषय वकारां दा गंध भरी बैठे हैं, ये जिवें बुहारी मकान नू साफ कर दिंदी है, सिमरन साडे मन नू मन दी जवान नू साफ कर दिंदी है। तो आप कहन लगे कि वो ख्याल जो साफ हो जाते हैं उत्थे गुरु का दिता हुआ सिमरन जिहड़ा है वह चित्रिया जाता है उकरिया जाता है, और उत्थे गुरु की जिहड़ी सरूप है वह उकरिया जाता है, वह उत्थे अपना घर कर लैंदा है। तो गुरु तेग बहादुर कहिंदे है नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। प्यारे कोई इस अवस्था प्राप्त करन कोई ज्यादा तुहानू कठिनाई नहीं करनी पैंदी, कोई बोझा नहीं उठाना पैंदा गा, सिर्फ ख्याल नू पलटना है। कोई भी संत की आशा नहीं कि साडे सेवक जिहड़े है ओलू की बैल की तरह सारी जिंदगी अभ्यास दे विच फसे रहन। वो तो कहिंदे है एक गल नू जल्दी समझ के जल्दी पलटा खाण, क्योंकि मैं गुरु पकड़िया ये उन्हां दी दया सी जिहड़ा मैं उन्हां दे अगे ये इकबाल किया कि ना मैं राधा स्वामी देखिया ना वाहगुरु देखिया ना अल्लाह ना कोई रसूल देखिया है, मेरे वास्ते तू ही रसूल है तू ही अल्लाह तू ही वाहगुरु है तू ही राधा स्वामी है मैं तेनू देखिया है। जो पहली दफा महाराज ने नामदान प्रेमियों नू दवाया तो जो उन्होंने ये कहा कि इन्हों थ्योरी समझाओ हूँ तुम देख लो जे इस गरीब ते कृपा सी कि समर्थ है तो हाथ जोड़ के यही बेनती की कि इन्हों तो अज ना ही थ्योरी समझाई जाए, तुसी अपनी दया खुला रूप दे दो खुला दर्शन दे दो। तो महाराज ने बड़ा सख्ती ना कहा कि वे मेरे कपड़े ना लोगों तो पड़ा जो मैं कहना है वो कर। मैं आम बोले शाह की कहानी तुहानू सुनाना हुंदा है, महाराज कृपाल भी आम सत्संग सुनाते सी, महाराज सावन सिंह भी यह सुनाते रहे कि जो सूफी संत बुले शाह काफ़ी पढ़िया लिखिया आलम फाजिल सी, तो जेड़ा उन्होंने मुरशद मिलिया वो पढ़िया लिखिया नहीं सीगा, वो खेतीबाड़ी का धंधा करता सी। जब उन्होंने चरणों के विच गया, क्योंकि उन्होंने चरणों तो जाने तो पहला बुले शाह कुछ साधना भी करता सी जिस तो उन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त सी, तो उनायत शाह ने जब बाग दे विच वड़िया उन्हें तवज्जो दिती, जड़े बाग दे नाल अंब लगे सी वो गिरने शुरू होए। हुण वह मुरशद जानी जान सी भी इस नौजवान की शरारत है, वो आके कहन लगे तैं अंब तोड़े है बई। वो कहिंदा साईं ना मैं ढीम मारी और ना मैं तेरा अंब तोड़िया, ये किवें है? वो आदा मैं भी जानता है कि तू टीम भी नहीं मारी तोड़े भी नहीं, पर मैं तेन ये पूछा है भी तू तोड़े क्यों है? तो मुर्शिद समझ गया ना बुले शाह समझ गया भी ये मेरी शरारत नू समझ गए है, ये अंतरजामी है। तो उत्थे गंढियां दी पनीरी लाई जांदे सीगे तो पुछण लग्या मैं कि थोड़ा पुछण आया रब का रस्ता रब नू पाउण दा तरीका। हुण उह आलम फाजिल सी पढ़िया लिखिया सीगा, अगर जे उहनूं रैत शाह समझाउंदा तो वह कोई समझण वाला सी, क्योंकि पढ़े लिखे का जिहड़ा मन हुंदा उह अच्छा गुंझलां नाल भरिया हुंदा है। तो इस वास्ते उन्होंने कहा भी बोलिया रब का की पाउणा इधरों पुटना ते इधरों लाउणा। मैं उही तुहानूं दसदा हां कि प्यारे सिर्फ ख्याल नू पलटा ही देना है। तो बुले शाह
ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਂਡਾ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕ ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁੰਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 77 ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੇਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਘੁੰਡ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਢਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਏ ਗਏ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਉਸ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਬ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਵਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁਲਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਧਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਪਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਨਵੜੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਕਿਤੇ ਮੌਜ ਉੱਠਣੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਆਦਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਗਏ ਐਸਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੋ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਨਵਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਜਵਾਨੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਭਾਂਡਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।